और ये है मिट्टी की हांडी। और इसके अलावा मिट्टी के बर्तन में खाना स्वादिष्ट भी बनता है। आज मैं बहुत ही यम्मी रेसिपी लेकर के आ गई हूँ। चंपारण मीट तो आपने खाया है, हांडी मटन खाया है, आज मैं हांडी दम आलू गोभी बनाने वाली हूँ, बिल्कुल डिलीशियस फ्लेवर के साथ। यहाँ पर छोटा सा किचन गार्डन है मेरा, और यह है मेथी सीड्स, मैंने थोड़ा सा ग्रो किया है। यहाँ पर लहसुन है, थोड़ा सा तड़का लगाती हूँ तो बस इसको मैं यूज़ करती हूँ। और यहाँ पर चलिए मिट्टी की हांडी ऑलरेडी रहते हैं, और मिट्टी की हांडी में मैंने चंपारण मीट की भी रेसिपी आपके साथ शेयर की है। और आपको मिट्टी की हांडी में कोई भी रेसिपी बनाते हैं ना तो इसका अलग स्वाद आता है, और इतनी सोंधी सोंधी खुशबू आती है। और जब आप दम पे कोई भी खाना बनाते हैं मिट्टी के बर्तन में तो उसका जो जायका जो होता है ना वो मैं बता नहीं सकती हूँ। तो चलिए मेरे साथ बिल्कुल ब्लॉग के वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। आज बहुत ही यम्मी रेसिपी आपके सामने लेकर के आई हूँ, क्योंकि आप लोग रेसिपी वीडियो पे बहुत ज़्यादा वोटिंग किए थे कि नहीं आपका जो है ना, मैंने वोट किया था कि आप लोगों को रेसिपी देखना पसंद है या क्राफ्ट देखना पसंद है या आपको मेरा फैमिली ब्लॉग देखना पसंद है। तो आप लोगों ने 100% वोट किया रेसिपी वीडियो पर। तो हर समय मैं दिन के खाने में दिखाती हूँ जितनी भी मतलब रेसिपी रहती है, लेकिन आज देखिए रात हो चुकी है और आज है थर्सडे, तो हम लोग हर दिन नॉनवेज नहीं खाते हैं। मंडे और थर्सडे को, ट्यूसडे और थर्सडे को हम लोग मतलब नॉनवेज स्किप करते हैं। और बहुत सारे हमारे व्यूवर्स भी जो है वो मतलब प्योर वेजिटेरियन है, तो उन लोगों की फरमाइश रहती है कि वेज की भी थोड़ा सा अलग हट करके आप रेसिपी दिखाएं। तो वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन दोनों के लिए आज ये रेसिपी है, और इसको खा करके आप बिल्कुल मटन चिकन खाना भूल जाएंगे। हे गाइज, वेलकम बैक टू लीनाज किचन, मैं हूँ लीना। बहुत ही यम्मी रेसिपी लेकर के आ गई हूँ, वो है गोभी हांडी रेसिपी, जो मुझे लगता है कि मैं अपने किचन में मतलब मैं बनाई हूँ लेकिन आप लोगों के साथ शेयर नहीं की हूँ। गोभी की ऑलरेडी बहुत ही अच्छी और भी एक न्यू रेसिपी मैंने शेयर की है, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी तो आप लोग देखिएगा। और क्योंकि चलिए देर ना करते हुए रेसिपी की शुरुआत करते हैं। और एक चीज बोलना चाहती हूँ कि अगर आप लाइक करने में कंजूसी करते हैं तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, मेरे व्यूवर्स को बता दूँ, तो उसको अगर वीडियो वॉच करते हैं तो लाइक भी कर दे। तो चलिए देर ना करते हुए, और यहाँ पर मेरा बन रहा है, लेकिन जो भी प्रोसेस है मैंने जो वीडियो शूट किया उसको शुरू से आपको दिखाती हूँ। और उसके साथ बन रहा है जीरा राइस और रोटी, जो रोटी खाएंगे तो रोटी खाएंगे और जो लच्छा पराठा खाएंगे उनके लिए लच्छा पराठा है। तो वीडियो को बिल्कुल आप लोग तो स्किप ना कीजिएगा। और थोड़ी सी तबीयत भी खराब है, देखिए मेरी आंख में थोड़ा सा सूजन भी हो गया है, लेकिन फिर भी खाना बनाना है और आपको आपकी भी पसंद को भी ध्यान रखते हुए न्यू रेसिपी भी मैं लेकर के आ गई हूँ। तो चलिए रेसिपी की शुरुआत करते हैं। और गोभी की बात करूँ तो ये जो फूल गोभी है ना, तो ये छोटे वाले जो आते हैं ना, इसको हम लोग बिहार में देहाती गोभी बोलते हैं, और ये इतना स्वादिष्ट होता है फ्रेंड्स, बड़े गोभी के अकॉर्डिंग ये जो है ना बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। इसका मुसल्लम भी बहुत टेस्टी बनता है, और ऐसे भी आप सब्जी बनाइएगा ना तो वो जो बड़े वाले गोभी होता है ना तो उससे इसका स्वाद बिल्कुल अलग हट के आता है। तो विंटर का समय अभी बहुत मार्केट में गोभी आई हुई है, तो लोग अलग अलग तरीके से बनाते हैं। मैंने बहुत अच्छी एक गोभी की न्यू रेसिपी भी डाली है, डिस्क्रिप्शन में लिंक देती हूं तो आप लोग जाकर के देखिएगा। तो इसके जो चारों तरफ से जो है ना जितने भी पत्ते हैं निकाल लेना है और डंठल को निकाल लेना है। अगर आप साबुत रखना चाहते हैं साबुत रखें, और नहीं तो इससे बीच से भी आप दो कट लगा सकते हैं। तो मेरी हांडी जो है ना बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है, तो बीच से मैं क्या करूंगी, कट लगा दूंगी। आलू और प्याज की बात करूं तो तीन मेरे पास गोभी है, तो तीन मैंने बड़े आलू लिया है और तीन मैंने प्याज लिया है, बिल्कुल इक्वल क्वांटिटी है, और इसको छील लेना है। और हम लोग जो भी रेसिपी आप जो मिट्टी के बर्तन में जो भी आप रेसिपी देखते हैं, लेकिन उसके भी टिप्स होते हैं कि इतना स्मोकी फ्लेवर इतना स्वादिष्ट कैसे बनता है। और प्याज की जो मतलब कटिंग जो होगी ना, तो इसमें बिल्कुल बारीक बारीक हम काटेंगे प्याज को। और हम लोग मटन बनाते हैं तो हांडी मटन बनाते हैं तो प्याज थोड़ा सा लंबे लंबे स्लाइस में काटते हैं, तो उसका भी एक ट्रिक होता है कि मटन को गलाने में प्याज थोड़ा सा बड़े कटिंग करना है। और यहाँ पर मैं जितने भी हमारे छिलके होते हैं ना तो मैं फेंकती नहीं हूँ, इस तरह से मैं कंटेनर में पानी डाल के रख देती हूँ। और मैंने अपने टेरेस पर बहुत सारा जो है ना टमाटर आलू सब ग्रो किया है छोटे छोटे, तो इसमें ये इसका जो तीन चार दिन के बाद
जो पानी होता है ना, तो निकाल करके मैं सारे पेड़ में डाल देती हूँ, तो पेड़ का जो है ना बहुत जल्दी ग्रो होता है। तो चलिए उसको मैंने अलग रख दिया। तो प्याज की कटिंग बिल्कुल छोटे छोटे करूँगी, क्योंकि गोभी जो होता है ना बहुत जल्दी गल जाता है, तो दम पे जो होता है ना बहुत जल्दी गलेगा। और मैंने हांडी मटन की भी रेसिपी शेयर की है, तो उसका जो थोड़ा सा ये टिप्स होता है बनाने का अपना अपना तरीका, कि अगर आप मटन बनाते हैं ना, तो मटन के जो प्याज होते हैं ना, तो हांडी मटन में थोड़े लंबे स्लाइस के कटते हैं, क्योंकि मटन को गलाना होता है। लेकिन यहाँ पे मैं छोटे बारीक काट रही हूँ गोभी, क्योंकि बहुत जल्दी गल जाते हैं। और यहाँ पर इंस्टाग्राम की मेरी आईडी है रॉयलीना, वहाँ भी फॉलो कर ले, थोड़ा बहुत रील मैं शेयर करती हूँ वहाँ पर। तो चलिए मेरे प्याज कट गए हैं, और यहाँ पर फेसबुक पेज पर भी आप लोग प्लीज़ फॉलो कर लीजिए, लीना वर्मा के नाम से मेरा फेसबुक पेज भी है, और वहाँ पर भी मेरे बहुत सारी वीडियो है। तो चलिए यहाँ पर मैंने गोभी को दो दो फाँक में कट किया है, क्योंकि थोड़ी सी मेरी हांडी की साइज देख रहे हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर गोभी की भी साइज कर लिया है। तो चलिए सारे सब्जी को मैं धो करके यहाँ पर रख लूँगी, और प्याज को भी मैंने ऑलरेडी काट लिया है। और हांडी में कोई भी चीज़ आप बनाते हैं ना, तो उसका भी एक ट्रिक होता है कि वीडियो में मैं बताऊंगी, आप लोग बिल्कुल वीडियो के एंड तक बने रहे। तो चलिए कटिंग हो गई है, तो यहाँ पर मैं थोड़े से मैं तेल को गर्म कर लूँगी। बिहार में हम लोग खाना बनाते हैं फ्रेंड, तो हम लोग सरसों के ही तेल में बनाते हैं। सरसों का तेल जो होता है ना काफ़ी हेल्दी माना जाता है। तो आप अगर कोई भी तेल अगर आप रिफाइंड में बनाना चाहते हैं, तो अपने अकॉर्डिंग आप बना सकते हैं, लेकिन मैं मतलब बोलूँगी, रिकमेंड करूँगी कि आप सरसों के तेल में ही जब भी कोई हांडी पे आप रेसिपी बनाते हैं, सरसों के तेल में ही बनाएं। तो यहाँ पर चार बड़े चम्मच में सरसों का तेल डाल रही हूँ, और इसका जो हांडी में कोई भी रेसिपी बनाते हैं ना, तो सरसों तेल को इतना गर्म करना है, इतना गर्म करना है कि बिल्कुल धुआं आने लगे। ये एक खास ट्रिक होता है कोई भी हम हांडी में रेसिपी बनाते हैं, तो चाहे मटन भी बनाते हैं। आपने देखी होगी मेरी वीडियो में, मैंने हांडी मटन चंपारण मटन की दो बार वीडियो शेयर की है, तो उसमें भी मैंने बताया था कि इसका जो मतलब, देखिए मैंने बगल वाले चूल्हे पर मैंने दिया है, और मतलब जब तक मैं इसे तेल को गर्म करूंगी, जब तक ये धुआं नहीं आने लगे, तब तक चलिए सारे मसाले को हम मैरिनेट कर लेते हैं। अगर आपके पास टाइम है ना, तो मैरिनेट करके आप 5 मिनट छोड़ भी सकते हैं, लेकिन हम लोग तो डेली काम करते हैं, तो झटपट से हम लोग बनाते हैं। तो चलिए हम मैं सारे प्रोसेस फटाफट से दिखाती हूँ। तो यहाँ पर जितने भी आलू और गोभी है, तो एक मैंने बर्तन में निकाल लिया है, और इसमें चलिए अब मसाले मिलाते हैं। मसाले भी मेंशन कर रही हूँ, आप लोग देखिएगा, ये है अदरक लहसुन का पेस्ट 2 बड़े चम्मच, और क्योंकि विंटर का समय है, तो आप इसमें 2-4 अगर साबुत लहसुन मिला दे, तो उसका भी फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और जितने भी ये प्याज कटे हुए हैं, तो इसको भी मैं डाल दूंगी, और सारे मसाले मैं मेंशन भी कर रही हूँ कि जिसमें दिक्कत नहीं हो आप लोगों को देखने में। तो यहाँ पर चलिए मैं हाथों से ही यहाँ पे अच्छी तरह से मिला लूँगी। पहले लहसुन को मिला लेना है कि जिसमें आलू और गोभी में अच्छी तरह से मिल जाए, उसके बाद फिर मैं सारे मसाले मिलाऊँगी। और इसमें बस 1 चम्मच हल्दी और तीखी वाली लाल मिर्च 1 चम्मच, छोटी वाली चम्मच है, आप लोग को पता होगा मेरा मेज़रमेंट बस स्टील के स्पून से ही रहता है। और ये है कश्मीरी लाल मिर्च थोड़ा सा कलर आने के लिए, और उसको मैं 1/2 चम्मच डालूंगी। आप तीखा वाला लाल मिर्च आप थोड़ा सा कम भी, अपना जैसा तीखा आप के अकॉर्डिंग आप खाना चाहते हैं उसी के अकॉर्डिंग डालें। तो यहाँ पर है जीरा पाउडर 1/2 चम्मच, और ये है काली मिर्च पाउडर ये 1/2 चम्मच, और गरम मसाला पाउडर डालूंगी 1/2 चम्मच, और सबको अच्छी तरह से मिला लेना है। ये काली मिर्च भी मैंने डाल दिया, और उसके बाद स्वाद के अनुसार नमक हम डालेंगे, नमक भी अपने अकॉर्डिंग डालें कितना आप तेज खाना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं नमक डाल दूंगी, और सबको अच्छी तरह से मैरिनेट कर लेना है, जिसमें सारे मसाले जो है ना, चलिए हाथ से ही इसको मैं मिला लेती हूँ, जिसमें सारे मसाले बिल्कुल अंदर तक जो है ना गोभी के अंदर तक चला जाए। और अब मैंने जो तेल इतना खौलाया था ना, तो यही खास ट्रिक होती है कि जो भी आप हांडी में रेसिपी बनाते हैं, तो उसका जो तड़का होता है ना तेल का, बिल्कुल देखिए इस तरह से धुआं आना चाहिए, तभी वो उसका जो फ्लेवर है ना आप हांडी में बिल्कुल परफेक्ट आता है। तो जब भी आप इस तरह की रेसिपी बनाएं हांडी में, तो तेल को जो ना एकदम धुआं जैसा गर्म करके तो ऊपर से तड़का लगाएं, और इसको अच्छी तरह से मिलाएं, तो उसका जो फ्लेवर है ना, आप एक बार इस तरह से बना करके देखिएगा, तो इसका फ्लेवर बिल्कुल आपको अलग लगेगा। और चलिए सबको हम, क्योंकि तेल मैंने गर्म डाला है, तो चलिए इस तरह से मैं मिला लेती हूँ सारे मसाले को। मसाले को इतना मिलाना है कि सारे आलू गोभी में मिल जाए। तो चलिए हांडी को क्या करना है ना, कि पहले से भी मैंने गर्म किया है,
हांडी को हम 5 से 10 मिनट तक प्री हीट करेंगे, बहुत ज़्यादा प्री हीट करेंगे। और पहले भी मैंने मटन की रेसिपी में भी दिखाया था कि प्री हीट करने से क्या होता है ना कि बहुत देरी तक अगर आप गैस का फ्लेम ऑफ भी करते हैं ना तो अंदर से धीरे धीरे वो पकता रहता है। तो यहाँ पर सारे गर्म मसाले हैं, मेरे किचन की फेवरेट मेरी सूखी लाल मिर्च, दो तेज़पत्ता और थोड़े से गर्म मसाले और थोड़ा सा बीच से, देखिएगा मिर्च को मैंने थोड़ा सा बीच से तोड़ा है जिसमें इसकी ग्रेवी अंदर जाए, और पूरा मैंने नहीं तोड़ा है। तो चलिए थोड़ा सा सरसों तेल डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालना है, जिसमें चारों तरफ से जो है ना मैं हांडी में मिला लूंगी चारों तरफ से। और क्योंकि 5 से 10 मिनट, ये टिप्स आप जरूर आजमाएं, 5 से 10 मिनट जो है ना हांडी को बिल्कुल जो है ना प्री हीट कर ले, तभी आपका जो कोई भी रेसिपी हांडी में बहुत परफेक्ट बनेगा। तो चलिए तेल थोड़ा सा गर्म हो गया है तो हांडी के चारों तरफ से हम मिला लेते हैं। और इसमें मैंने 1 चम्मच जीरा डाल दिया था, तो जीरा को थोड़ा सा हम तड़कने देते हैं। उसके बाद जितने भी होल स्पाइसेस है थोड़ा सा मैंने क्रश किया है सबको, तो उसको मैं थोड़ा सा इसका तड़का लगाऊंगी। और गरम तेल में थोड़ा सा आप गरम मसाले का तड़का लगाएंगे ना तो बहुत ही मतलब उसका जो बहुत ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आता है जब भी आप खाना खाइएगा। तो देखिएगा रेसिपी की जो सब्जी की जो मतलब स्वाद है ना बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ पर चलिए सारे गरम मसाले, सूखी लाल मिर्च, तेज़पत्ता, जीरा को थोड़ा सा हम चटकने देते हैं और चारों तरफ से देख रहे ना हांडी में चारों तरफ से आप तेल भी मिला ले, ये जब भी आप आलू गोभी का दम पे रखें तो ये चारों तरफ से वो मतलब तेल में पकता रहे। तो पुराने समय में क्या था ना फ्रेंड्स कि लोग खाना पकाने और परोसने के लिए मिट्टी के बर्तन का ही इस्तेमाल करते थे, लेकिन समय बदलने के साथ यह परंपरा कहीं खो सी गई है और रसोई में रखे मिट्टी के बर्तन बिल्कुल लुप्त हो गए हैं और उसके बदले में कुकर, अल्मोनियम के बर्तन आ गए हैं। और जब भी हम लोग मिट्टी के बर्तन में खाना बनाते हैं तो खाने में आयरन, फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम की मात्रा भी खूब पाई जाती है जो शरीर के लिए काफ़ी फायदेमंद होते हैं। तो क्यों ना हम लोग जो है ना सप्ताह में 2 से 3 दिन हम लोग मिट्टी के बर्तन में ही जो भी रेसिपी बनाएं। तो चलिए बातों बातों में ही तेल भी जो है ना हमारे गर्म हो गए हैं और इसमें जो भी हम तड़का लगाए हैं तो चटक गए हैं। तो धीरे धीरे जो है ना जितने भी आलू गोभी जो है उसको हम डाल देते हैं और मटर भी मैंने छील कर रख दिया था तो मटर को भी मैं डालूंगी। आपको मटर डालना है तो डालिए और नहीं डालना है तो आप नहीं भी डाल सकते हैं। और अगर आप टमाटर खाते हैं तो टमाटर भी डालिए, लेकिन चूंकि मुझे मटन वाला स्वाद लाना है तो मैं टमाटर स्किप कर रही हूँ और इसको चलाने के बाद और इसके बीच में फिर हम मटर को डाल देंगे। और आपको पता है फ्रेंड्स मिट्टी के बर्तन में कम तेल का इस्तेमाल होता है, कम तेल में ही खाना बहुत अच्छा बनता है और मेरी रेसिपी भी ऐसे भी सब लोग बोलते हैं कि आप तेल बहुत डालते हैं, तो अब मैं तेल कम कर दी हूँ और यहाँ पर देखिए बीच में मैं मटर डाल दूंगी। उसके बाद फिर से जो भी बचे हुए आलू गोभी है तो उसको भी डाल देना है। और मिट्टी के बने बर्तनों में खाना तो स्वादिष्ट बनता ही है और इन बर्तनों में भोजन पकाने से बिल्कुल पौष्टिकता के साथ साथ भोजन का जो भी हम खाना बनाते हैं उसका स्वाद जो है ना 4 गुना बढ़ जाता है। और इस तरह से देखिए बातों बातों में ही यहाँ पर मैंने जितने भी आलू गोभी मैरिनेटेड था तो उसको भी मैंने डाल दिया और थोड़े से चला लूँगी, छोटे वाले स्पून से ही चलाएँ तो थोड़ा सा आसानी रहेगा। और इसका जो गैस का फ्लेम बिल्कुल कम कर देना है और बिल्कुल तेज़ नहीं करना है। तो चलिए इसको मैं अब दम पे लगाऊंगी। तो दम पे कितनी देर लगाना है तो उसकी भी एक ट्रिक बताती हूँ, मटन वाली रेसिपी भी मैंने बताया था। तो आटा पहले से मैंने रोटी के लिए और पराठे के लिए सान करके रख लिया था, तो चलिए इसमें से थोड़े से मैं आटा को लूँगी और चारों तरफ से पैक कर दूँगी। और आपको कैसे पता करें कि आप कोई भी हांडी में खाना बनाते हैं तो ये दम पे ये परफेक्ट पक गया है कि नहीं, तो जो किनारे से आप आटा जो हम साट रहे हैं ना तो जब रोटी के जैसा पक जाए ना तो समझिए कि आपका जो खाना है ना बिल्कुल जो दम पे लग चुका है, खाने के लिए तैयार है। और अगर आप मिट्टी के हांडी में कोई भी रेसिपी बनाते हैं तो आप अगर प्री हीट करते हैं ना तो देखिएगा बाद में भी आप टेबल पे भी आप रखेंगे ना तो वो उसमें उबाल आते रहेंगे और आपकी जो रेसिपी पकती रहेगी और उसकी सूंधी खुशबू जो है ना पूरे सब्जी हो या आप नॉनवेज बनाते हैं तो उसमें मिलता रहता है। तो चलिए अब चेक करते हैं, देखिए बिल्कुल जो है ना मीडियम फ्लेम पे मैंने इसको रखा, मीडियम क्या बिल्कुल लो फ्लेम पे मैंने रखा है। तो देखिए जब कोई भी आप चाहे हांडी मीट बनाते हैं या कोई भी हांडी में रेसिपी बनाते हैं तो सबसे पहले आप कैसे पता करेंगे, थोड़ी सी ट्रिक भी मैं बताती हूँ। जब ये देखिए रोटी के जैसा आपका ये आटा हो जाए देखिए तो समझिए कि अंदर का जो भी आप रेसिपी बना रहे हैं तो वो बिल्कुल पक चुका है, चाहे तो मटन रहे चाहे तो गोभी आलू जो भी आप हांडी में बना रहे हैं। तो देखिए मैंने कटहल की भी सब्जी इस तरह से बनाई है, मेरे प्लेलिस्ट एक बार आप लोग चेक कर ले लीनास किचन। तो यहाँ पर देखिए ये थोड़ा सा जो है ना अभी कच्चा है तो इसको
और जायका पटना का जो मैंक है वो भी मेरे ब्लैक मटन की रेसिपी भी शूट करके ले गया है। जीव चटोरा जी भी आए थे, मैं हर वीडियो में बोलती हूँ डबल मटन की रेसिपी लेकर के गए थे। तो बहुत सारी ऐसी रेसिपी है, आप लोगों का और प्यार और सपोर्ट मिला तो मैं और भी अच्छी अच्छी नई नई रेसिपी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो चलिए इसको अच्छी तरह से, अभी ये गर्म है तो धीरे धीरे से पहले हम मैं निकाल लेती हूँ सारे। चलिए ये अब मैं चेक करती हूँ। वाओ, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैं नज़दीक से दिखाती हूँ। तो इसमें थोड़ा सा हम डालेंगे कसूरी मेथी। देखिए मैं धनिया पत्ता नहीं डालूंगी, कसूरी मेथी डालिए इसमें। और चलिए अब चला के दिखाती हूँ। देखिए तक जो है उबाल आ रहा है, तो ये मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि इसको प्री हीट कर ले, उसके बाद आप रेसिपी बनाएं। देखिए, और बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आए थे कि क्या हम लोग ब्लॉगर नहीं है तो क्या हम लोग आ सकते हैं। तो रजनीश जी, आपका कमेंट्स आज मुझे दो बार मिला है, प्लीज़ आपका वेलकम है। और मैंने ये भी पूछा था कि अगर आप नॉनवेज खाना चाहते हैं या वेज खाना चाहते हैं, जो आपको पसंद है आप आइए, वेलकम है, मैं खिलाऊंगी और बहुत प्यार से मैं खिलाऊंगी। मेरे व्यूवर्स का प्यार और सपोर्ट इतना मिल रहा है तो आप लोग का बिल्कुल वेलकम है। तो देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर चलिए रोटी बना लेते हैं। और ये देखिए बिल्कुल गैस का फ्लेम ऑफ है, लेकिन फिर भी देखिए इसमें कितना उबाल आ ही रहा है। तो इसकी ग्रेवी बिल्कुल ठीक हो जाएगी, देख लीजिए गैस का फ्लेम बिल्कुल ऑफ है, लेकिन देखिए इसमें उबाल आ ही रहे हैं, देख लीजिए। तो यहाँ पे गरम रोटी बना रही हूँ और थोड़ा सा जीरा राइस बना रही हूँ, क्योंकि सब्ज़ी बहुत ही यम्मी बनी है, बिल्कुल मटन के स्वाद वाली। तो थोड़ा सा जीरा राइस बनाने के लिए मैंने थोड़ा सा घी लिया एक चम्मच, उसमें जीरा, सूखी हरी वाली मिर्च और थोड़ा सा नमक डाल करके भून लूँगी। और जो मैंने लहसुन के पत्ते ग्रो कर किया है ना, थोड़े से उसको कटिंग करके डाल दूँगी। तो छोटा सा मेरे किचन गार्डन जो है ना, विंटर में तो अभी मेथी सीड्स हो या लहसुन के ये हो तो आप लगा दीजिए, तो बहुत तड़के लगाने के लिए भी थोड़े बहुत हो जाते हैं। तो चलिए इसको भी मैं डाल देती हूँ, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। तो अब खाना सर्व करती हूँ।